क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं। क्वेश्चन हमारा 0 to 4 एक्स प्लस ई के पावर 2x, एक्स प्लस ई के पावर 2x डी एक्स, इसका हमको योगफल की सीमा के रूप में जो है इंटीग्रल निकालना है। 0 to 4 एक्स प्लस ई के पावर 2x डी एक्स। तो फार्मूला हमारा जो क्या होता है, इसमें जो फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला आपका ये होता है कि a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है b माइनस a इंटू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1yn एफ ऑफ a प्लस एफ a प्लस एच प्लस एफ हाफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट, लास्ट में हमारा रहता है एफ हाफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, और h होता है b माइनस a बाई एन। तो इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो 0 to 4 एक्स प्लस ई के पावर 2x डी एक्स इक्वल टू बी माइनस ए, बी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 0 है, तो बी माइनस ए का मतलब 4 माइनस 0 इंटू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई एन एफ ऑफ ए, ए की वैल्यू 0 है, एफ 0 प्लस एफ 0 प्लस एच प्लस एफ 0 प्लस 2h प्लस डॉट डॉट, लास्ट वाला हमारा रहता है एफ हाफ 0 a की जगह पे 0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, और h की वैल्यू हम लोग b बाई एन रखें, तो h इक्वल टू हमारा यहाँ से जो इस क्वेश्चन के लिए आएगा b माइनस a बाई एन यानी 4yn। h की वैल्यू यहाँ पे 4yn है, तो 4 इंटू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1yn एफ हाफ 0 प्लस एफ हाफ 0 प्लस 4yn प्लस एफ हाफ 0 प्लस 2 इंटू 4yn प्लस लास्ट में हमारा होगा एफ हाफ 0 प्लस n माइनस 1 इंटू 4yn। अब fx जो फंक्शन हमारा है, एफ एक्स फंक्शन तो हमारा x प्लस 2 के पावर x है। एफ एक्स जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, x प्लस e के पावर 2x है। अब इसकी कुछ वैल्यू देख लेते हैं। एफ 0, एफ 0 का मतलब कि जो एफ एक्स है उसमें x की जगह पे 0 रखो, तो आप 0 प्लस e के पावर 2 इंटू 0 यानी 0 प्लस e के पावर 0, और इसकी वैल्यू हो गई 1। और वैल्यू हम लोग देखें, एफ 0 प्लस 4yn यानी एफ हाफ 4yn, तो x की जगह पे आप क्या लिख दोगे, 4yn प्लस e के पावर 2 इंटू 4yn। अगला एफ हाफ 2 इंटू 4yn, एफ हाफ 2 इंटू 4yn, तो इसका हो जाएगा x की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 4yn प्लस e के पावर 2 तो है ही पहले से, और x की जगह पे 2 इंटू 4yn। एफ ऑफ एन माइनस 1 इंटू 4yn, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा x की जगह पे, तो यही हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 4yn प्लस e के पावर 2 इंटू, और x की जगह पे n माइनस 1 इंटू 4yn। ये जो रहता है इसको हम लोग कैलकुलेट इसलिए नहीं करते कि बाद में जब लिखेंगे तो सारे टर्म में हमको क्या कॉमन है ये आसानी से दिखेगा। तो अब अगर हम लोग लिखें जो हमारे पास था, ये 0 to 4 एक्स प्लस ए के पावर 2x डी एक्स इक्वल टू 4 टाइम्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई एन एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। अगला टर्म एफ 0 प्लस 4yn, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4yn प्लस e के पावर 2 इंटू 4yn,
अगला टर्म हो गया, फिर ए प्लस टू एच यानी एफ टू इंटू फोर वाई एन, इसकी वैल्यू क्या है, टू इंटू फोर वाई एन प्लस ई के पावर टू और टू इंटू फोर बाई एन, ये इंटू है, दूसरा टर्म हो गया। और लास्ट वाला टर्म जो हम लोग लिखेंगे ये है एन माइनस वन इंटू फोर बाई एन प्लस ई के पावर टू इंटू एन माइनस वन इंटू फोर बाई एन। ये एक सिंगल टर्म है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। दिस इक्वल टू फोर टाइम्स लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, अब ये पहला टर्म तो हमारा वन है, और सेकेंड टर्म से देखिए जो सेकेंड टर्म से फोर बाई एन, अगले टर्म से टू इंटू फोर बाई एन, और इस टर्म को इकट्ठा लिखते हैं, तो ये हमारा हो गया वन प्लस फोर बाई एन प्लस टू इंटू फोर बाई एन प्लस अगला हमारा क्या होगा थ्री इंटू फोर बाई एन प्लस डॉट डॉट, ये है एन माइनस वन इंटू फोर बाई एन, एक टर्म तो ये हमारा हो गया। और प्लस अब जो सेकेंड टर्म है, यहाँ पे तो सेकेंड टर्म नहीं है, वन को लिख चुके हैं हम लोग, ई के पावर टू इंटू फोर बाई एन, पहला टर्म क्या है हमारा ई के पावर टू इंटू फोर बाई एन प्लस अगला टर्म होगा e के पावर 2 इंटू टू इंटू फोर बाई एन प्लस डॉट डॉट e के पावर 2 इंटू एन माइनस वन इंटू फोर बाई एन, ये ब्रेकेट बंद हमारा। दिस इक्वल टू फोर टाइम्स लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, अब यहाँ पे देखिए जो वन को हम लोगों ने, वन को जो यहाँ पे इसके साथ में लिखा था इसके साथ लिख देंगे, क्योंकि ये वहाँ पहले टर्म में केवल एक टर्म है और बाकी सब में दो दो टर्म है, तो यहाँ पे जो फोर बाई एन वाला टर्म था इसमें फोर बाई एन, ये देखिए इतने से हम लोग फोर बाई एन सारे टर्म से इसमें कामन लेते हैं, तो फोर बाई एन कामन लेंगे तो पहले टर्म से क्या मिलेगा वन मिलेगा, दूसरे टर्म से टू मिलेगा, तीसरे टर्म से थ्री, और लास्ट वाले टर्म से मिलेगा एन माइनस वन, ये हो गया पहला टर्म। प्लस अब वन को इसके साथ हम लोग लिख देंगे वन प्लस ई के पावर टू इंटू फोर बाई एन प्लस ई के पावर टू इंटू टू इंटू फोर बाई एन प्लस डॉट डॉट ई के पावर टू इंटू एन माइनस वन इंटू फोर बाई एन। अभी तो प्रथम एन माइनस वन प्राकृतिक संख्याओं का योग है, इसको तो निकाल लेंगे, तो ये दोनों हम लोग अलग अलग पहले सम निकाल लेते हैं, तो हमको पता है कि वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट डॉट, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग आपका होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो अगर आपका यहाँ पे केवल n माइनस वन प्राकृतिक प्रथम n माइनस वन प्राकृतिक संख्याएँ हों तो n की जगह पे n माइनस वन पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा पहला n माइनस वन और ये n बाई टू। और इसका हम लोग अलग लिख लेते हैं, सम निकाल के लिख लेते हैं, ये हमारा है वन प्लस, अब ये हमारा क्या हो जाएगा e के पावर एट बाई एन प्लस e के पावर सिक्सटीन बाई एन, अगला टर्म हमारा क्या होगा e के पावर टू इंटू थ्री इंटू फोर बाई एन, तो टू इंटू थ्री यानी सिक्स ट्वेंटी फोर, e के पावर ट्वेंटी फोर बाई एन प्लस डॉट डॉट e के पावर e के पावर एन माइनस वन इंटू एट वाई एन, इसका सम हमको निकालना है, इसका योग निकालना है, तो ये देखिए अगर e के पावर एट बाई एन इससे भाग करें हम लोग तो e के पावर एट बाई एन अपान वन, ये क्या हो गया e के पावर एट बाई एन, इसको जो है इससे भाग करें तो e के पावर सिक्सटीन बाई एन
अपॉन ई के पावर 8 बाई एन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई के पावर 16 बाई एन माइनस 8 बाई एन, दिस इक्वल टू ई के पावर 8 बाई एन। तो इसमें जो अनुपात है ये हमारा कांस्टेंट है, और टोटल इसमें कितने हैं, एन पद हैं, क्योंकि इसका वन वाला जो है हम लोग पहला पद इसमें ले लिए, और बाकी जो है बाकी सबसे बाहर आया है, यानी वन पहले पद से लिए, सब पद से ये ई वाला है, तो टोटल एन पद हैं। ये टोटल हमारे कितने हैं, एन पद हैं, और ये जो है जीपी बना रहा है गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी श्रेणी की एन पदों का जो योग होता है, गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योग ए इंटू आर के पावर एन माइनस वन अपान आर माइनस वन, गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योग। गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योग, तो ए हमारा क्या है, प्रथम पद है आपका, श्रेणी का प्रथम पद रहता है, और आर हमारा सार्व अनुपात होता है, और एन पदों की संख्या। तो ये फार्मूला हम लोग लगाएं, तो यहाँ पे जो ए है प्रथम पद हमारा क्या है, वन है, और जो सार अनुपात आर की वैल्यू है वो ई के पावर 8 बाई एन है, और पदों की संख्या एन है, तो इसका सम हम लोग लिखें, तो ए इंटू यानी वन इंटू आर, सार अनुपात हमारा है ई के पावर 8 बाई एन, तो आर के पावर एन माइनस वन अपान आर माइनस वन, यानी ई के पावर 8 बाई एन माइनस वन, दिस इक्वल टू ई के पावर 8 बाई एन के होल पावर एन है, तो 8 बाई एन इंटू एन हो जाएगा, तो ई के पावर 8 बाई एन माइनस वन, और एन एन ख़त्म, ई के पावर 8 माइनस वन अपान ई के पावर 8 बाई एन माइनस वन। तो ये जो हमारा सम आ गया, ये e के पावर 8 माइनस वन अपान e के पावर 8 बाई एन माइनस वन, तो जो ये सम की वैल्यू है, ये हमारा 1 से n माइनस वन इसकी वैल्यू, और ये 1 जो दूसरा श्रेणी है इसकी वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हम लोग पुट कर दें, दोनों वैल्यू पुट करें तो देखिए हमारे पास क्या मिलता है, 0 to 4 x प्लस ई के पावर 2x डी एक्स इक्वल टू 4 टाइम्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये यहाँ पे 1 बाई एन भी चलता है, 1 बाई एन हमारा छूट गया है, 1 बाई एन इंटू पहले वाले से 4 बाई एन हम लोग जो है कामन के थे, और 1 से लेके n माइनस वन, ये हमारा 4 बाई एन 1 से लेके n माइनस वन का योग क्या है, n इंटू एन माइनस वन, तो इसकी जगह पे n इंटू एन माइनस वन बाई टू प्लस अगला जो हमारा ये सीरीज है इसका योग क्या आ गया, e के पावर 8 माइनस वन, e के पावर 8 माइनस वन अपान e के पावर 8 बाई एन माइनस वन। यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, दिस इक्वल टू 4 टाइम्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अब ये 1 बाई एन जो बाहर गुणा में हम लोग अंदर ले जाते हैं, तो ये क्या लिखा है, 4 n इंटू एन माइनस वन अपान 2n तो है पहले से, और n एक और आके 2n स्क्वायर हो गया, प्लस e के पावर 8 माइनस वन अपान e के पावर 8 बाई एन माइनस वन इंटू एन, दिस इक्वल टू 4 टाइम्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब ये हमारा क्या हो जाए, 4 को बाहर ही रखते हैं, n स्क्वायर माइनस n, और ये 4 बाई टू हो गया, और n स्क्वायर माइनस n अपान n स्क्वायर हो गया ये, और प्लस e के पावर 8 माइनस वन अपान, इसको हमारा e के पावर 8 बाई एन माइनस वन इंटू n लिखा है, तो बटा में हम लोग क्या लिख देते हैं, 1 बाई एन, क्योंकि ये पलट के वहाँ जाएगा तो n ही हो जाएगा, और यहाँ पे 8 बाई एन है तो हम लोग इसको 8 बाई एन कर दिए, तो 8 यहाँ पे गुणा किए हैं, तो फिर 8 यहाँ पे भी गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तभी कैंसिल होगा, दिस इक्वल टू 4 टाइम्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो गया हमारा 2 इंटू एन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस n अपान n स्क्वायर यानी 1 अपान n हो गया, प्लस
ई की पावर 8 माइनस 1 ये तो हमारा बाहर है, और 1 अपान ये ई की पावर 8 माइनस 1 और 8 यहाँ पे गुणा में है तो बाई 8 भी बाहर हो गया, और ई की पावर 8 बाई एन माइनस 1 अपान 8 बाई एन। तो हमको पता है कि अगर आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई के पावर एफ एक्स माइनस वन अपान एफ एक्स इसकी वैल्यू वन होती है, बस हमारा पता होना चाहिए ये कंडीशन कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो इसमें लिमिट हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो यानी देखिए लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ई के पावर 8 बाई एन माइनस 1 अपान 8 बाई एन। तो इस पर ये फार्मूला देखिए लगता है कि नहीं, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 8 बाई एन जो हमारा एफ एक्स होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो, लिमिट इसकी वैल्यू वन होनी चाहिए, सॉरी यहाँ पे वन एफ एक्स सॉरी जीरो 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 ही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब जैसे एन हमारा इन्फिनिटी की तरफ टेंड होगा तो 8 बाई एन, तो इसको लिख सकते हैं कि एन टेंड्स टू इन्फिनिटी तो एन की वैल्यू, तो 8 बाई एन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो ई के पावर एफ एक्स माइनस वन अपान एफ एक्स जो यहाँ पे है 8 बाई एन, 8 बाई एन यहाँ पे भी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। तो ये हमारा जो पूरा लिमिट है इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। तो दिस इक्वल टू 4 टाइम्स ये हमारा बचा 2 प्लस ई के पावर 8 माइनस 1 अपान 8 इंटू इसकी वैल्यू 1 हो गई 1 बाई 1। तो दिस इक्वल टू 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो 8 प्लस, और ये 8 अंदर जो है सॉरी ये 4 से अंदर गया तो 4 बाई 8 और ई के पावर 8 माइनस 1, दिस इक्वल टू 8 प्लस ई के पावर 8 माइनस 1 बाई 2। तो इसको और थोड़ा सा हम लोग एलसीएम ले लें तो 16 माइनस 1 यानी 15 प्लस ई के पावर 8 बाई 2।